चैनल में आप सबका स्वागत। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से पुराण में देखिए बहुत अच्छी कथा है। एक दिन घूमता घूमता वैष्णव योग से प्रतिष्ठा दानपुर यानी झूसी प्रयाग में पहुंचा, जहां उसने एक शिवालय देखा। वहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया यानी बुखार आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवस्व पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर से पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद जब वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा, यमराज ने दूत आए और उसे पापों से बांधकर पास बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक में भगवान शिव जी के पार्षदगण आ गए और गौरवर्ण कपूर के समान उज्ज्वल थे। वो हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म में उदतित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ानी थी। वे सब 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 के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारम्बार धमका धमका कर उनको देवराज को चुंगल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठा कर जब शिव दूत कैलाश जाने को धत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्षराज अपने स्वभाव से बाहर आए और साचा दूसरों को रुद्रों के समान प्रतीत होने वाली उस चारों दूतों को देकर धर्मराज से उनका विधपूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन दूसरों की पूजा और प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिव दूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने इस ब्राह्मण को दया साकर साम शिव के हाथों में दे दिया। तो दोस्तों, उस ब्राह्मण की कथा सुनाई आज आपको, ये थोड़ी सी शिव पुराण की कथा, ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आ सके और कुछ आपको सुनाने में हमें सही भी लगे। तो दोस्तों, ये शिव पुराण कथा आपको छोटी सी बताई। अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ये गलत पढ़ते हो तो ही हमें बता देना, और नहीं ये सही पढ़ी हो, तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट करना। दोस्तों बोलो माँ से पुराण भगवान की जय। कल इससे आगे कथा दोस्तों आपको और अच्छी बताएंगे। बोलो शंकर भगवान की।